सुबह के बज रहे हैं भाई लगभग 7:30। और भाई हम हैं जिम में भाई, सुबह सुबह आ गए हम जिम में। मतलब आते तो खैर रोज ही हैं, और आज है लेग्स का वर्कआउट। सो भाई अपना टाइटी ट्विटी पैर गया क्या हुआ भाई? लेग्स के वर्कआउट नहीं कर रहे क्योंकि हम कुछ 2-4 दिनों में लंबे ट्रिप पे निकलने वाले हैं, लंबे, जहाँ भाई हमें बहुत ज़्यादा चलना है, ट्रैकिंग करनी है। सो कहाँ जाएंगे वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी भाई घर से व्लॉग देख रहे हो ना, ये ना भाई सुबह उठ के आ जाते पर जिम नहीं करते। देखो भाई कैसे सुबह सुबह आ जाते, घर से लोग देख रहे हैं ना, देखो देखो बाजी मार रहे हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं। सो भाई आज एलेक्स का वर्कआउट, और देख रहे हो पूरी जिम खाली पड़ी है जिम। और मंडे को भाई पूरी जिम ऐसी खचाखच भरी रहती है, मतलब कोई यहाँ लगा होगा, कोई यहाँ, ट्रेडमिल तो छोड़े ही ना, यो मशीन कोई भी नहीं छोड़ता भाई। और आज देख लो कोई भी नहीं है, ऑनर भी नहीं है जिम के, तो जिम का ऑनर भी कहा है आज? हाँ जिम भाई, जिम का ऑनर जा रखा है मनाली घूमने के लिए। सो हम करते हैं अपने लेग्स का वर्कआउट भाई। वह वो दंड बैठक तो मार ली, अब ये करेंगे उसको बैठक बोलते हैं ब्रदर। हाँ वही बैठक मार ली है अपने देसी वाली। हाँ। भाई हम कितनी कितनी देर मार देते हैं, कम से कम 40-40 मिनट भाई, लगभग 1000 स्क्वाट्स तो हो जाए आराम से भाई। ये मजाक नहीं कर रहे हैं हम, लिटरली अगर भाई हम मार देते हैं, बाकी हमें ना आगे चढ़ाई करनी है, इसमें हम थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, आज कम ही करिए, बाकी ये करेंगे, फिर वो होगा, फिर वो, फिर वहाँ थोड़ी देर बैठ के भैया मिक्स मारेंगे। हाँ करेंगे, हालत खराब हो जाएगी फिर, परेशान होंगे, फायदा ना है तो इससे अच्छा। इससे अच्छा भाई अपना थोड़ा बहुत कर लेते हैं वर्कआउट, क्योंकि लेग्स का वर्कआउट पिछले 2 हफ्ते से नहीं हुआ था, तो आज कर देंगे। हाँ 2 हफ्ते से यूपी गया था। अरे हाँ ब्लॉग में भाई, हाँ ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे भाई, क्योंकि मैं, मेरा ना थोड़ा आना जाना ज्यादा लग रहा था, कभी हरियाणा कभी यूपी, कभी हरियाणा कभी यूपी, तो ऐसे चल रहा था, तो ऐसे भाई मेरा आना जाना ज्यादा हो रहा था, और पब्लिक ट्रैवल चल रहा था, तो इस वजह से भाई मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, वरना बाइक वाइक से जाता तो बनाता जरूर। सो जय श्री राम भाई। 22 तारीख को भाई दिवाली बनानी है, अगर हम यहाँ गुड़गांव में हुए तो भाई पक्का बम पटाके छुटाएंगे, दिवाली बनाएंगे। वैसे मुश्किल ही होंगे हम, हैं या तो हम रास्ते में कहीं पर होंगे या फिर ब्लॉग बन रहा है भाई, ब्लॉग बन रहा है। सो ले भाई श्री राम जी के गाने बज चुके हैं, सो फटाफट वर्कआउट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं। चलो जी ये देखो भाई 7 तड़ भर देंगे आज। चलो जी ए चल, एक तो एक कैमरे में पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से, देखना ये देखो देर में मतलब फोकस करता है थोड़ी, कुछ तो नहीं है भाई, आईफोन है, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या चल रहा है आजकल? लक्षदीप मालदीव तो भाई मालदीव कोई नहीं जाएगा, लक्षदीप जाएंगे सब, हम तो वहां जाने वाले हैं ना, लक्षदीप तो हम जाएंगे, वैसे तो हम वहाँ जाने वाले हैं गाइस, थोड़ा सा बैंक अलाउड कर देंगे ना, तभी तुम्हारा भाई फ्लाइट में बैठ जाएगा और सैंडविच मसाज ले लेंगे। थाईलैंड जाएंगे भाई, हाँ अरे कोई सैंडविच मसाज नहीं, हम भाई जाएंगे थाईलैंड फॉर्चुनर का सामान लेने के लिए, क्योंकि फॉर्चुनर तैयार करनी है, बाकी पब्लिक तो समझ ही जाती भाई। बिना पासपोर्ट के जा रहे हैं? बिना पासपोर्ट कैसे जाएंगे भाई? पासपोर्ट तो बनवा देंगे भाई, पासपोर्ट मैंने पासपोर्ट बनवाया था बाहर जाने के लिए, और अभी तक पासपोर्ट वैसा का वैसा पैक होके रखा है, कोई मेरा कोई वीजा नहीं लगा भाई उस पर। अब क्या कहते हैं, अगर और नहीं हुआ ना 1-2 साल अगर मैं कहीं बाहर नहीं गया, तो भाई उस पर अपना राशन का सामान लिखना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है, पासपोर्ट पे राशन का सामान है ना, बाकी कुछ टाइम बाद जाना शुरू करेंगे। हम भी जाएंगे कभी भाई फटाफट फ्लाइट में, मतलब मैं भाई रोड ट्रिप पे जाता हूँ, फ्लाइट से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं रोड ट्रिप पे जब बाइक से जाता हूँ, और आज तक कोई फ्लाइट में नहीं बैठा देख लो, और ज्यादा दूर भी नहीं है एयरपोर्ट, यही पास में ही है। 2023 में उसमें जो फ्लाइट वाली वो क्लिप मिली ना, डालूंगा जरूर जब फ्लाइट में भी है ना, एयर होस्टेस ये लोअर टी शर्ट में स्पोर्ट्स शूज में, उन को एयर होस्टेस और वो प्लेन इतना खचाड़ा, स्पाइस जेट था क्या? ना यार कुछ अजीब सा ना, इंडिगो, अरे ना मिलट दे मैं बताऊ ना भाई, इतनी गंदी सभी सर, इतना गंदा प्लेन मैंने जिन्हें पहली बार देखा है, पहले तो जब वो बुक हो ना मैं क्यों, कौन सा प्लेन है वो, बहुत बढ़िया है
उसमें बैठे लोग टी शर्ट में एयर होस्टेस हम ना आज तक स्कल्ट में देखने के लिए वो की इस मारी कर आगे स्कल्ट में देखो ये एक बात होता यार लोअर टी शर्ट कौन सी एयर होस्टेस भाई ये इंडिया यहाँ कुछ भी हो सकता है यार एयर होस्टेस ये एक बात मार दी मांग मत एक बढ़िया मस्त पटाखा ठंड बैठक मारो वर्कआउट कर लेते नहीं आलस आ जाएगा। चलो जी फिर मिलते हैं आपको आज का पूरी आज पूरे दिन की दिनचर्या दिखाएंगे और आज हम भाई रैली वैली में भी जाने वाले हैं मिनिस्टर तक तो जय बाबा की। चलो जी तो गाइस वर्कआउट डन और वेट नाप लेते हैं कितना है 70 kg। सो चलते हैं भाई घर। देखो ब्लॉगर ब्लॉग बंद कर दिया ये। चलो आ भाई दो दिन से तो अच्छा मौसम हो रखा है भाई बढ़िया धूप धाप सी निकल रही है एंड आज भाई दिखाएंगे आज आपको काफिला हैं आज भाई दिखाएंगे काफिला कि और गाड़ी गायब हो गई भाई। अंकल ले गए हैं गाड़ी बहुत दूर। सो जाओ भाई सब जाओ सो जाओ सब सो रहे हैं हम ही हैं बस मेहनती बालक और एक वो अंकल हैं सामने वाले और कोई मेहनती ना भाई। नहा धो के एकदम ऑल सेट हो चुका हूँ और फिलहाल जा रहे भाई मंत्री के वहाँ पे। सो आज भाई है रैली और बाहर का मौसम बहुत गाढ़ा हो रखा है बहुत ज़्यादा ठंडा। अभी चलते हैं फिर आपको रास्ते में दिखाते हैं। यार ये पता नहीं क्या हो गया मेरे यहाँ हल्की फुंसी टाइप की हुई है मतलब हो जाएगी ठीक। देख लो इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है और इतनी ठंड में तुम्हारे भाई ने कहती नहा धो के एकदम सेट हो चुका है। तो फिलहाल मैं हो रहा हूँ लेट और निकलते हैं फटाफट। ये वाली बॉल देख लो लग रही है ना मस्त। चलो भाई इतनी ठंड में भी ना नहा धो के कहती निकलना पड़ता बाहर के लिए। ऐसा ना होता कि भाई वीडियो वगैरह बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई मौज ही ले रहे हैं। मौज भी ले रहे हैं पर काम भी कर रहे हैं। बस ये है कि बारिश ना हो बारिश होने से पहले ये रोड बन जाए वरना भाई तहलका मच जाता है इस रोड पे जब बारिश होती है ना पूरा कीचड़ कीचड़ ट्रक आ रहा है। ये देखो जय श्री राम भाई 22 तारीख को सबको दिवाली बनानी है। Thank you.